कोरोना की दहशत के बीच दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। सभी लोग सोशल मीडिया के जरिए मदर्स डे की बधाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ माँ ऐसी भी हैं जो इस मदर्स डे को मनाने के बजाय कोरोना के खिलाफ देश सेवा में जुटी हुई हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा के बीटा थाना में तैनात एक महिला सिपाही इस कोरोना काल में भी अपना कर्तव्य निभा रही है। महिला सिपाही करीब 40 दिनों से अपने बच्चों से नहीं मिल पाई है। इसके बाद महिला सिपाही के बच्चे अपनी मां को मदर्स डे की शुभकामनाएं देना नहीं भूले और उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां को मदर्स डे की बधाई दी। बच्चों को काफी समय बाद देख मां की भी आंखें नम हो गई और वो अपने बच्चों को देख रोने लगी। हालांकि महिला पुलिसकर्मी अमरीश राणा का कहना है कि होली की छुट्टियों के दौरान उनकी अपने बच्चों से मुलाकात हुई थी, उसके बाद से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। बेटा और बेटी गांव में अपने पिता के पास ही रहते हैं। आते हैं बच्चे, क्योंकि कभी मैंने अपने बच्चे छोड़े नहीं है और अब इतना लंबा टाइम हो गया तो बड़ा थोड़ा सा फील होता है। लोग याद आते हैं, वो तो उनको दादी भी नहीं है तो मैंने इनको शुरू से खुद ही पाला है। तो काफी मतलब बड़ा बेटा है मेरा 10 साल का, फिफ्थ में आ गया है, यहाँ पे P3 में पढ़ता है विद्यालय में। और बेटी 5 साल की है, वो सेकंड में आ गई है। कब से आपने अपने बच्चों को अपने पास नहीं देखा है, कितना टाइम हो गया? यही हो गया कोई 40-50 दिन हो गए। मतलब होली के बाद मैंने भेजे थे, तो तब से होली पे छुट्टी थी ना तो भेज दिए थे गाँव में, तो अचानक से लॉकडाउन हो गया तो फिर लाए भी नहीं बच्चे। कैसे ख्याल रख रहे हैं बच्चे अपने कैसे ख्याल रख रहे हैं बच्चे? बस ऐसे ही, उनके पापा है पास में तो पापा जैसे रख लेते हैं। बिना लेडीज के बच्चे कैसे रहेंगे वो तो आप भी समझते हो। तो अमरीश राणा बताती हैं कि उनके दोनों बच्चे काफी छोटे हैं और मिलने की जिद कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ड्यूटी काफी सख्त चल रही है, इसीलिए बच्चों से कोई मुलाकात नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, अमरीश राणा की बेटी को अस्थमा की भी दिक्कत है, लेकिन उनके हौसले इतने मजबूत हैं कि वो अपने छोटे बच्चों को छोड़ देश की सेवा में दिन रात जुटी हुई हैं। नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट।